चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताने वाला हूं कि आंसर की, रिस्पॉन्स सीट और ओमा सीट, इन तीनों का आपको प्रिंट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है कि रिजल्ट आने पर काफी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट थी कि हमारा आंसर की में कुछ और मैच हो रहा था, रिजल्ट कुछ और आ गया है। तो इसका आपको रेफरेंस रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप इनका रेफरेंस रख ले, ओमा सीट का रिस्पॉन्स रख ले, आपका रिस्पॉन्स सीट का रेफरेंस रख ले और आंसर की का रेफरेंस रख ले। हालांकि आंसर की तो आपको बाद में भी मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में भी एनटीए ने डाल दी है, लेकिन ओमार और रिस्पॉन्स सीट का आपको प्रिंट लेना बहुत ही जरूरी है। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है, यानी कि रिजल्ट में अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आंसर सीट में कुछ आपके मार्क्स कैलकुलेशन के बाद कुछ और दिखाते हैं, रिजल्ट में कुछ और आता है, तो आपके लिए ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अभी आपने ये कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ प्रिंट कैसे लेना है इसका। तो प्रिंट लेने के लिए आपको सबसे पहले neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो आप अभी तक करते आए हैं। आंसर की स्कैन इमेज पर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप करने के बाद में आपने लॉगिन करना है, जैसे कि अभी तक आप लॉगिन करते आए हैं। साइन इन करने के बाद में आपके पास में तीनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होंगे। यहाँ कंफर्मेशन पेज का भी आप प्रिंट लेके रख ले। अगर प्रिंट नहीं लेते हैं तो आप इसको डिजिटल फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख लें। अभी मोबाइल में कैसे सेव करके रखेंगे, कंप्यूटर में कैसे सेव करके रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जिस प्रकार से हमारे पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले आपको ओमार का सेव करने का प्रोसेस बता देता हूं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज ओमार पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, हमारी ओमार सीट यहाँ व्यू हो जाती है। तो जैसे ही ओमार सीट व्यू हो जाती है, तो मैं आपको पहले मोबाइल में ये लेने का प्रोसेस बता देता हूँ कि मोबाइल में आपने किस प्रकार से इसको सेव करके रखना है। तो मोबाइल में सेव करने के लिए आप इसमें अपने मोबाइल में जैसे ही क्रोम ओपन करेंगे, डेस्कटॉप व्यू में कर लेना, अगर बाय द वे नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्रोम में ये ओपन होगा, क्रोम में ओपन होगा तो यहाँ पर थ्री लाइन्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। थ्री लाइन्स पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे, मोबाइल का प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, जैसे ही थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपके पास में, यहाँ डाउनलोड का ये ऑप्शन आएगा एक, इस डाउनलोड के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आपके पास में आएगा, फाइल डाउनलोडेड लिखा आएगा, इसको ओपन करके व्यू भी कर सकते हैं। और ये जो फाइल डाउनलोड हुई है आपके मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोड हुई है। तो इस प्रकार इसको आप सेव करके रख सकते हैं और बाद में इसका आप जब चाहो तब इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से आप आंसर की का भी ले सकते हैं। आंसर की का जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की हमारे को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके बाद में हमने ओमार का लेना है, ओमार रिस्पॉन्स सीट का लेना है। तो रिस्पॉन्स सीट का लेने के लिए इसी ओमार के नीचे क्लिक व्यू टू रिस्पॉन्स सीट लिखा होगा, उस पर क्लिक करके सेम प्रोसीजर हम थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर रिस्पॉन्स सीट का भी प्रिंट ले लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों प्रिंट अवेलेबल हो जाएंगे, ओमार का प्रिंट भी हो जाएगा और रिस्पॉन्स सीट का भी हम प्रिंट यहाँ पर ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी फाइल डाउनलोडेड लिखा हुआ आएगा। अभी कंप्यूटर में आपने किस प्रकार से प्रिंट लेना है, तो जैसे ही इसमें ओमार को आप व्यू करेंगे, आपने सिंपली सी कंट्रोल पी करना है। यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसमें आप जो प्रिंटर इसमें प्रिंट में डेस्टिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ले सेव एज पीडीएफ और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में और सेव पर आपने क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, यानी कि यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहां पर सेव करनी है। तो इस फाइल को आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो लोकेशन दे करके आप सेव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं, कंफर्मेशन पेज भी अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी डाउनलोड करके रख ले और व्यू ओमार को भी डाउनलोड करके रख ले आप, और रिस्पॉन्स सीट को भी आप डाउनलोड करके रख ले।
अगर आपने ओमार को चैलेंज कर दिया तो रिस्पॉन्स शीट आपको मिलेगी नहीं वहां पर, तो आप ओमार की कॉपी जरूर प्रिंट करके रख लें। इसमें आंसर की चैलेंज कर दिया तो आंसर की का ऑप्शन आपको प्रिंट करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की तो वैसे भी पीडीएफ फॉर्मेट में एनटीए ने डाल दिए है, लेकिन आप ओमार की जो कॉपी है, स्कैन इमेज है, वो जरूर प्रिंट करके रख लें या फिर कंप्यूटर और मोबाइल में सेव करके रख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काफी काम आएगी। तो ये अपडेट थी इसके बारे में, मिलेंगे नई अपडेट नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं हसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।